पांच राज्य एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं एक चरण में। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान 7 और 17 नवंबर को मिजोरम में, और 3 दिसंबर को पता चल जाएगा इन 5 राज्यों में किसकी सरकार, यानी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद ही यह तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार इन 5 राज्यों का मूड क्या है, सेमीफाइनल में 5 राज्यों की जनता क्या संदेश दे रही है, बीजेपी किन राज्यों में, क्या राजस्थान में जो ट्रेंड है पिछले 25 सालों का वो बरकरार रहता है, एमपी में बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रख पाती है या फिर कांग्रेस को जीत हासिल होती है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए क्या गुड न्यूज आती है, बैड न्यूज आती है, बीजेपी वापसी कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तेलंगाना मिजोरम पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन राज्यों में जो भी चुनावी नतीजे आएंगे, इन चुनावी नतीजों से एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है कि अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होंगे उन लोकसभा चुनावों में ये इन राज्यों की जनता क्या संदेश दे सकती है, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, एमपी में लोकसभा की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, इनके अलावा तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, मिजोरम में हालांकि लोकसभा की एक ही सीट है, यानी 2024 के रण से पहले 2023 का रण सेमीफाइनल एक तरीके से 2024 के चुनाव के लिए, उसके लिए तारीखें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में 200 सीटें, विधानसभा चुनाव फेज एक, 23 नवंबर को यहां पर मतदान होना है, 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे, तो ये राजस्थान की तस्वीर है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 5 राज्यों में कब कब वोटिंग नतीजे सबके एक साथ 3 तारीख को, भंवर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। भंवर, 23 तारीख 23 नवंबर राजस्थान में एक चरण में चुनाव, 25 सालों का ट्रेंड बरकरार रहेगा या फिर ट्रेंड टूटेगा? देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि ट्रेंड टूटेगा या बरकरार रहेगा, लेकिन फिलहाल तारीखों से एक उत्साह का संचार और हो जाएगा। अब और बेहतर तरीके से मैदान में जो नेता है वो उतरेंगे, चुनावी प्रचार में उतरेंगे, लेकिन हालांकि अभी तक ना बीजेपी की पहली लिस्ट आई है ना कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है, ऐसे में लिस्ट का इंतजार है और संभवतः आज शाम तक शायद कोई सूचना किसी एक कार्यालय से मिले, हो सकता है बीजेपी से वो लिस्ट आ जाए, हो सकता है कांग्रेस से वो लिस्ट आ जाए, लेकिन इंतजार है। और इस समय बात करें हम कार्यालयों की, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बाहर आई हुई आप देखेंगे बैनर पोस्टर अट्ठे पड़े और रास्ता इंतजार कर रहा था, और अब तारीखों के बाद जब 23 तारीख का ऐलान हो गया है तो इस तारीख के बाद अब और अच्छे तरीके से मैदान में नेता नजर आएंगे। पब्लिक में भी एक उत्साह है, क्योंकि हर बार जो एक ट्रेंड रहता है कि 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, पिछले चुनावों की बात कर लें तो उसमें भी यही ट्रेंड रहता है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का ट्रेंड बदला, 25 की 25 सीट बीजेपी के खाते में जाने लगी और 2 बार गई, पिछले में भी और इस बार में भी, और अब ये जो 2023 का चुनाव है वो 24 का भी आधार तय करेगा कि आखिर ट्रेंड अब किस तरफ जाएगा, क्योंकि 9 साल पूरे केंद्र सरकार को हो गए हैं, ऐसे में अब जो 24 में चुनाव होगा उसको 23 तय करेगा। अगर 23 में भाजपा सरकार बना पाती है तो और अच्छे से वो यहां से अपनी सीटों को लेने में कामयाब होंगे, और अगर कांग्रेस रिपीट हो जाती है, जैसा कि बार बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री और जो पीसीसी चीफ है गोविंद डोटासरा वो कहते रहे कि हम योजनाओं के दम पर आ रहे हैं, तो वहीं तुष्टिकरण, अत्याचार, महिला अत्याचार, क्राइम रेशियो, इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता रहा है। तो अब देखना यह होगा कि जो यात्रा है, चाहे वो जन आक्रोश यात्रा हो, परिवर्तन यात्रा हो, कांग्रेस की यात्रा, ठीक है, चलिए भंवर आपके पास लौट कर आता हूँ। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, 3 तारीख को 5 राज्यों में नतीजे एक साथ आ जाएंगे, लेकिन किन राज्यों में कब कब चुनाव है वो आप देखिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव फेज एक, यानी एक ही चरण में मतदान होना है, 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 3 तारीख को मतगणना होगी, यानी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक फेज में, यानी एक चरण में मतदान 17 तारीख को यहां पर वोट डाले जाएंगे, 17 नवंबर को, 3 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी, यानी 3 दिसंबर को यहां पर भी चुनावी नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक चरण में मतदान, छत्तीसगढ़ की अगर बातचीत कर लेते हैं, 2 चरणों में मतदान होने हैं, पिछली बार भी 2 चरणों में मतदान हुए थे। पहले फेज का जो मतदान होगा 7 नवंबर को, दूसरे फेज का मतदान होगा 17 नवंबर को, मतगणना यहां भी 3 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे इस वक्त की ये बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस बरकरार रह पाती है या
अब बीजेपी एक बार फिर से वापसी करती है, ये देखना होगा वहां के चुनावी नतीजों में। 3 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो अवधेश जी आपकी टिप्पणी, नतीजे क्या होंगे 3 तारीख को वक्त बताएगा, जनता तय करेगी। लेकिन जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे उसी हिसाब से छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी राज्यों में एक चरण में मतदान निश्चित रूप से एक ही चरण में है, और यह बताता है कि इन राज्यों की कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लोग स्वयं जो है मतदान करते हैं शांतिपूर्वक, और ये देश के लिए राहत का विषय है। लेकिन ये तीनों चुनाव इस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए करो और मरो का चुनाव है। बीजेपी के लिए इसलिए कि दो चुनाव, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और कर्नाटक लगातार हारने के बाद, वो अगले 3 चुनाव में या किसी भी विधानसभा चुनाव में हारने का जोखिम नहीं उठा सकती है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले के यही विधानसभा चुनाव है। हालांकि 2018 में तीनों विधानसभा चुनाव में पराजय के बावजूद तीनों में भाजपा ने एक पक्षीय जीत हासिल की थी, लेकिन हर बार एक ही परिस्थिति पैदा नहीं होती है। लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प बात है, आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपको लगता है कि इस पर खासतौर पर नजर इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई थी, एमपी में कांग्रेस चुनाव जीती थी लेकिन कमलनाथ 15 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। नहीं, देखिए आंकड़े देखने की बात है, किसी भी राज्य में छत्तीसगढ़ को छोड़ के कांग्रेस को बहुमत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें थी, कांग्रेस को 114 सीट थी, उनको भी बहुमत नहीं था। शिवराज सिंह के खिलाफ इतने असंतोष थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय का जो चुनाव का मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के कानून से संबंधित कुछ संशोधन, व्यवहारिक संशोधन किए थे, विपक्ष के दबाव में आकर के केंद्र सरकार ने विधान लोकसभा में उसको पलट दिया था, उसके विरुद्ध पिछड़ी जातियों में, मुसलमानों में और सवर्ण में, तीनों में विद्रोह था। तो मध्य प्रदेश में सपाक्स पार्टी पैदा हो गई जिसने 25% वोट काटा लेकिन बीजेपी का नाश कर दिया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वहां 47,827 वोट ज्यादा आए थे, आप इसे ध्यान रखिए वहां। इसलिए कांग्रेस को बहुमत नहीं था, दो बसपा को सीट थी, एक समाजवादी पार्टी का, तीनों पार्टी को तोड़ के उन्होंने सरकार बनाई थी, इसलिए जो सरकार थी वो बहुमत पर उस ढंग से नहीं थी। ठीक है, तो इस बार जो मैं कह रहा हूं कि इस बार आंकड़े वैसे नहीं दिखते हैं जैसे बताए जा रहे। ठीक है, आपकी इस बात पर दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और दुष्यंत जी राजस्थान का जो ट्रेंड है तो उसमें कांग्रेस को कितनी उम्मीद है क्योंकि हर बार वहां पर सत्ता बदलती है, तो क्या कांग्रेस के लिए भी एमपी छत्तीसगढ़ इस समय स्ट्रेटजी वाइज ज्यादा तो होगा, बड़ा होगा, ऊपर होगा। देखिए बड़े भाई हमारे विद्वान है लेकिन इन्होंने अर्ध सत्य बोला। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली निश्चित रूप से संख्या सीटों मतों की अधिक थी, लेकिन जो उनके विरोध में जो वोट पड़ा, 3 आदर्श जो विधायक थे जो समाजवादी पार्टी के थे, बीएसपी के थे, उनको घुमा दिया धीरे से। भाई संख्या तो भाजपा के विरोध में थी और उन्हीं के समर्थन से कमलनाथ जी की सरकार बनी, उस सरकार को गिराया गया। असली देखिए कहानी ये है। दूसरी बात रही आपकी राजस्थान की, राजस्थान में 99 सीटें कांग्रेस को मिली लेकिन एक सीट खाली थी, जैसे ही उसका उपचुनाव हुआ कांग्रेस की संख्या पूरी हो गई। और दोनों राज्यों में आप एक राज्य में तो कामयाब हुए, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाई, लेकिन जो बाउंड्री लाइन पे थी उस अशोक गहलोत जी ने 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल करके दिखाया, और योजनाओं के दम पे वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं सरकार को रिपीट कराऊंगा। ठीक, रविकांत। नहीं नहीं, अच्छा एक बिचारा, मैं रिपोर्टर के पास चला जाऊं, रविकांत बोल देता हूं कि अच्छा। राजस्थान में भी इन्होंने जो है राष्ट्रीय लोक दल का जो एक विधायक था उसको मिला जुला के, मैं आरोप नहीं लगाता हूं, इस कारण इनकी सरकार बन गई। और राजस्थान का भी आंकड़ा यह है कि दोनों पार्टियों में केवल 1,77,699 वोट का अंतर था 200 में, इसलिए लाख असंतोष के बावजूद कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं थी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए कि 1,77,679 वोटों का केवल अंतर था, 39.30% कांग्रेस को था, 38.08% वोट को बीजेपी को। ठीक है, चलिए ये आंकड़ों की बातचीत होती रहेगी अवधेश जी, और उसमें आपको महारत हासिल है, पूरे चुनाव में दर्शकों को आप आंकड़े बताते रहेंगे, ज्ञानवर्धन होता रहेगा। लेकिन रविकांत, राजस्थान का तो एक ट्रेंड है, वो बीजेपी के लिए शायद एक सुकून भरी बातचीत होगी, या फिर वहां पर स्ट्रेटजिकली हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि थोड़ी सी बढ़त हो। लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ खास तौर पर, क्योंकि एमपी में पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, ठीक है, बाद में ज्योतिरादित्य इधर आए, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, बीजेपी सत्ता में आ गई। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद
वहां से सत्ता चली गई थी। देखिए राकेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती अशोक गहलोत से ज्यादा वसुंधरा राजे हैं, क्योंकि उनको चुनाव से ठीक पहले आखिरकार उनके उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पहले तय करना होगा, और वसुंधरा राजे की नाराजगी को किस तरीके से बीजेपी मैनेज करती है ये राजस्थान के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भूपेश बघेल के सामने वो कोई चेहरा नहीं उतार रही, कोई ऐसा क्रेडिबल फेस उसके सामने नहीं है जो भूपेश बघेल के सामने वो खड़ा करे। मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में इतने सारे मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने उतार कर ये मैसेज तो दिया कि वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसी कीमत पर वापसी चाहती है, लेकिन अभी तक शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी रैलियों में पूछ रहे हैं क्या मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं ना बनूं, जो इस बात का संकेत है कि उनको भी ये पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो भी वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और अभी तक उनके नाम का अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है। मैं बीजेपी मुख्यालय में हूं और उम्मीद यही की जा रही है, जो जानकारी मिल रही है कि आज देर रात तक पहली लिस्ट जो है वो राजस्थान की जारी कर दी जाएगी। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो इस बार पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव को फ्रंट से लीड कर रहे हैं और पूरी तैयारी जो है उसको वो मॉनिटर भी कर रहे हैं। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, पॉइंट जो है वो कांग्रेस को नहीं। रविकांत, आप बड़ी बात कर रहे हैं। उदय जी, रविकांत की इन बातों पर कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि पिछली बार परिस्थितियां अलग थी, चीजें साफ थी कि सत्ता मिलती है तो कौन सीएम बनेगा, इस बार ना राजस्थान में क्लियर और ना एमपी में, और शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो बातें रविकांत ने कही। नहीं देखिए, ऐसा है कि एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी नेग्लेक्ट कर रही, हम पत्रकार उसको बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सभा में वसुंधरा राजे जा रही हैं, बैठ रही हैं, हम देख रहे हैं असंतोष किस चीज का है। अभी भी वो लीडर हैं, भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, ये सच है, इसमें कोई तो मत नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे ने कभी नहीं कहा है कि हम पार्टी से नाराज हैं, हम पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं, तो ये हम सब नहीं, लोग तो आपको लगता है कि वो कहेंगे? नहीं, मुझे अगर नाराजगी होगा भी तो कहेंगे मीडिया में आकर। नहीं, कई बार संकेत देते हैं ना। वसुंधरा राजे ऐसी नेता नहीं है कि उनको भी मालूम है कि मैं पार्टी को क्षति तो पहुंचा सकती हूं, लेकिन अपने बदौलत विद्रोह करके जीत नहीं जाऊंगी। अगर पार्टी की सरकार बनेगी उसी में हमारी भी भलाई है, इतना उनको पता है। अच्छा, तो उस दृष्टि से चीजें होती है। जहां तक शिवराज सिंह का सवाल है, देखिए शिवराज सिंह के बारे में बीजेपी के ही लोग आके बार बार कह रहे हैं कि मामा जी रहेंगे तो हम जीतेंगे नहीं, लेकिन शिवराज सिंह भाजपा के लिए एसेट भी है, इस समय थोड़ी समस्या भी हो गए हुए हैं कि बीजेपी ने उनको न तो न कहा है न हाँ कहा है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक सामूहिक नेतृत्व के तहत इतने मतलब 3 मंत्रियों को 6 सांसदों को उतारा है, तो जाहिर है कि अब शिवराज सिंह भी अपना दिखाए के बताए कि जो क्षेत्र उनके जिम्मे है उसमें वो कितना परफॉर्म करते हैं, ये लोग कितना परफॉर्म करते हैं। अच्छा दुष्यंत जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है केंद्रीय नेतृत्व, और उनको अलग थलग कर दिया है। अब लोगों में भी मैसेज, मतदाता में भी मैसेज ठीक नहीं है। अगर किसी दूसरे लीडर को ओथ करा के चीफ मिनिस्टर के रूप में अगर पार्टी जाती चुनाव में तो जरूर कोई फायदा हो सकता था। अब एक बात बताइए, अगर 1-2% भी शिवराज सिंह चौहान का समर्थक मतदाता अगर पार्टी से रूठ गया तो भारतीय जनता पार्टी का तो गेम खत्म हो जाएगा। आपने तो अभी बताया कि इतने स्मॉल मार्जिन के ऊपर से मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के परिणाम आए हैं, तो मुझे लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई से बाहर है। मध्य प्रदेश में ये कुछ ज्यादा निश्चित है। दुष्यंत जी, ये कुछ ज्यादा उनके शब्दों के अनुसार कह रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादा हो गया कि भाजपा लड़ाई से ही बाहर है एमपी में। बिल्कुल, अगर देखिए मामा बाहर है तो भाजपा बाहर है। और मैं वसुंधरा जी के बारे में बताना चाहता हूँ, 30-35 ऐसी सीटें हैं जहां पे उनके व्यक्तिगत समर्थकों का पार्टी के अंदर संगठन अच्छा, के अंदर अच्छा मैं भावर का रुख कर लेता हूँ। आपने चूंकि वसुंधरा राजे की बात रविकांत भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, अवधेश जी भी जिक्र कर रहे थे। अच्छा रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, रंजीता you
बिल्कुल देखिए, पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है और जो बड़े राज्य हैं, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उसमें राजस्थान का भी नाम आता है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हमारे साथ है बात करने के लिए। गोविंद डोटासरा जी, चुनाव की घोषणा हो गई, तैयारी कितनी पुख्ता है? क्योंकि चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने ये है कि एक बार फिर सरकार दोहराई जाए। हम सब हैं तैयार, सरकार हमारी रिपीट होगी क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और 23 तारीख को जब मतदान होगा तो जो हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी जो योजनाएं, जिसका लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को मिला है, उससे लोग प्रभावित हैं। कोई एंटीकमेंसी नहीं है, सत्ता और संगठन में समन्वय है। हम सब मिलकर के इतिहास बनाएंगे और हमारी सरकार रिपीट होगी। लेकिन आपसी जो मतभेद है वो तो 5 साल लगातार हम लोगों ने देखा है, क्या वो मतभेद चुनाव में भी दिखेगा? क्या उसका असर चुनाव के भी प्रचार में कहीं ना कहीं या नतीजों में भी देखने को मिलेगा? हम सब यूनाइट हैं, पूरी कांग्रेस एक है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिखरी हुई है, 8-10 अपने अपने अलग गुट बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी के फाइनल करने के बाद में भी संघ उनको लिस्ट जारी नहीं करने दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं। और राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री को बार बार जाके ये कहना पड़ रहा है कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, कोई चेहरा नहीं, यानी वो वसुंधरा जी के लिए डायरेक्ट रूप से, एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके आपस की जो खींचतान है वो जनता सब देख रही है और हमारे काम सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी जातीय जनगणना की जिक्र किया, क्या ये चुनावी मुद्दा कांग्रेस पार्टी का रहेगा? आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी दिल्ली में ये चल रही है। चुनावी नहीं, ये कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें किया गया फैसला है और हम सब ये चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है कि हमारा जातिगत सर्वे होना चाहिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो इस ये तो हमारा बिल्कुल पूरा कांग्रेस का एजेंडा है। लेकिन सीएम तो हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जाति पर एक बार फिर खेलने की। पीएम ने तो किया ही जातिवाद और धार्मिक उन्माद है, उसके अलावा पीएम ने किया क्या है? एक भी जो वादा उन्होंने किया उस पर अगर काम किया हो तो बता दीजिए। किसान की आमदनी दुगुनी की हो, कोई नौकरियां लगाई हो, कोई महंगाई कम की हो, वो तो यही जातिगत बातें करके, जातिगत सम्मेलन करा करके और धार्मिक उन्माद फैला करके, कब्रिस्तान हिंदुस्तान करके और मुद्दों से जो महत्वपूर्ण देश के लोगों के मुद्दे उनसे ध्यान हटा करके काम कर रहे हैं। बाकी करके एक अंतिम सवाल, क्या सीएम और सचिन पायलट एक साथ दिखेंगे या 101% किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। तो गोविंद डोटासरा हमारे साथ बात करते हुए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने देखा कि पिछले 5 साल में जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की आपसी मतभेद की भेंट चढ़ी सरकार, कई जगह बातचीत कर रही थी, इसका नुकसान रंजीता बातचीत कर रही थी और ये दावा हो रहा है कांग्रेस की ओर से कि एक साथ दिखाई देंगे। अब ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव के ऐलान पर भूपेश बघेल ने कहा है कि हम तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा दावा, पिछले चुनावों में 15 साल बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और एक बार फिर से कांग्रेस क्या छत्तीसगढ़ को अपने पास कंटिन्यू रख पाती है? चुनाव की तारीखों का ऐलान, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा दावा, बड़ा बयान चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कि कांग्रेस पार्टी राज्य में पूरी तरीके से तैयार है, सत्ता एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पास ही रहेगी, माटी के अभिमान का युद्ध शुरू हो चुका है, यह रथ अब रुकने वाला नहीं है। दुष्यंत जी, भूपेश बघेल का दावा छत्तीसगढ़ को लेकर। बिल्कुल जी, देखिए उन्होंने जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है और किसानों को जिस प्रकार से धान पर बोनस दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा अपनी योजनाओं का पैसा खर्च किया है और जो एक माहौल वहां पे बना हुआ है, उनका आत्मविश्वास इस बात को झलकाता है, दिखाता है कि निश्चित रूप से उनकी सरकार वापसी करने जा रही है और अच्छी संख्या के साथ वापसी करने जा रही है। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक में जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी और जातीय जनगणना और एक सामाजिक न्याय के मुद्दे को जिस प्रकार से राष्ट्रीय पटल पे लेके आए हैं, ये पूरे देश में इसका बहुत स्वागत किया जा रहा है। गरीब लोगों के बीच में, पिछड़े लोगों के बीच में, गांव ढाणियों में रहने वाले लोगों के बीच में, वंचित समाज के बीच में, जो आदिवासी वर्ग के रूप में, तो ये जो वोट बैंक संगठित होके आएगा, मुझे लगता है कि इसके सामने कोई चुनाव नहीं हो पाएगा, बह जाएगा, भारतीय जनता पार्टी
टिक नहीं पाएगी। अवधेश जी भारतीय जनता पार्टी बह जाएगी। गलत कह दिया दुष्यंत जी की बातें। आपका एनालिसिस छत्तीसगढ़ को लेकर? तीनों इन्होंने राज्य का बोला। देखिए छत्तीसगढ़ में यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बुरी पराजय हुई थी। केवल 15 सीट थी और 68 सीटें कांग्रेस को आई थी 90 में से। अभी कांग्रेस के सीटें 71 है, भाजपा की 13 है। जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है उसके पास 3 सीटें हैं। वोटों में भी करीब 11% का डिफरेंसेस था। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का बयान, बीजेपी की विदाई का उद्घोष हो चुका है। थोड़ी देर पहले एक बैठक भी चल रही थी जिसका जिक्र दुष्यंत जी कर रहे थे। बीजेपी की विदाई का उद्घोष शुरू हो चुका है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान। अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए और इस बयान को भी ध्यान में रखकर। नहीं, अब जाहिर है कि खड़गे जी तो यही कहेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार इतने विद्रोह थे पूरे में, लेकिन कांग्रेस दो राज्यों में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी, वोट के मामले में आगे नहीं। राजस्थान में तो दो दो पार्टियां बीजेपी से टूट के बन गई थी, पूरा फॉरवर्ड क्लास उसके खिलाफ था। इसके बावजूद अगर कांग्रेस ने नहीं किया, और इस समय कांग्रेस स्वयं 5 साल से शासन में है, एक नेता विद्रोह कर रहे हैं कि हमको बनाओ, उस नेता को लोग शांत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि हम बहुत ज्यादा करेंगे, जबकि वहां की परंपरा है राजस्थान में हर बार सरकार बदलना, तो यह तो एक चमत्कार होगा। छत्तीसगढ़ पर जो ये बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री के ज्यादातर करीबी जो अफसर थे एकदम निकट के, वो सब भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में है। उनके घरों से करोड़ों करोड़ों पकड़े गए हैं, अलग अलग बिजनेस के डीलिंग्स के मामले सामने आए हुए हैं। तो क्या जनता इसको देख नहीं रही है कि वहां क्या हो रहा है? क्या ये चुनाव का बिल्कुल मुद्दा नहीं होगा कि उनका पर्सनल पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी जो महिला थी, उसके घर से पैसे निकल रहे हैं और अंत में वो जेल में है, ऊपर से नीचे तक ये चीजें आ गई हैं। तो ये एक बड़ी, देखिए आपने ये बात की, दुष्यंत जी इशारा करने लगे, तो आपको जवाब देना चाहता हूं। एक दो बात मैं उनके, ऐसा है, सेक्रेटरी को जो पकड़ा गया उन्होंने टीवी पे आके दिखाया, आपके चैनल पे ही मैंने देखा, वो बता रहे हैं भाई ये मेरी शादी में खरीदा हुआ ज्वेलरी है, ये मेरे उसका है, पूरा हिसाब उन्होंने रख दिया। अब आपको ईडी का दुरुपयोग करना, जबरदस्ती उठा के जेल में डालना है, क्योंकि ईडी के द्वारा क्या है, एक निश्चित समय अवधि तक आप बिना चार्जशीट किए हुए भी व्यक्ति को बंद रख सकते हैं, तो आप उसका लाभ ले रहे हैं। आप बघेल साहब को बदनाम करना चाहते हैं। दूसरी बात, 5 रुपए का आज तक कोई धोखाधड़ी आरोप बघेल जी के खिलाफ नहीं मिला है सर अभी जी। नहीं, बघेल जी के खिलाफ नहीं है, वो तो बात अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो सारे अफसर जिसको उन्होंने चयन किया था, इस समय मैं आपको बता रहा हूं पूरे जिम्मेवारी के साथ कि भूपेश बघेल के जो भी सहयोगी और अफसर थे पुराने, उसमें सब पर आरोप हो। ठीक है, चलिए ये चर्चा